ग्राम पंचायत दरारिया से जनपद पंचायत सदस्य हेतु योग्य कर्मठ लगनशील और जुझारू शिक्षित प्रत्याशी ब्रजेंद्र तिवारी को आने वाले समय में अपना बहुमूल्य मत देकर भारी मतों से विजयी बनाए। सौजन्य से समस्त ग्राम पंचायत बासी दरारिया रहली जिला सागर मध्य प्रदेश। नहीं रख सकते सर, तो कल को मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे आप, ये बताओ। घरवाली आएगी उसकी सारी नहीं तो डॉक्यूमेंट पूरी करनी होती है, उसका ख्याल रखना होता है। ऐसे थोड़ी ना होता है बस शादी कर लेंगे, खेल थोड़ी ना है शादी। नहीं खेल तो नहीं है, उसकी डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत नहीं पड़ी, तो वो रखे हैं घर में, घूमे थोड़ी ना है। घर वाली तो रोज मिलेगी, वो थोड़ी घूम जाएगी कि वो अलवारी में थोड़ी रखेंगे, साथ में रखेंगे। तो सर ख्याल नहीं रखोगे तो वो भी भूल जाएगी, हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है। हम पूरा आपका हम पूरा ख्याल रखेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप घूम जाएंगी, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। चलो ठीक है सर, तो आप करेंगे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट देखो वो कहाँ पे है, उनका ख्याल करो। मेरी तो बहुत दूर की बात है अभी तक। नहीं हम तो आपका भी ख्याल करेंगे, डॉक्यूमेंट का भी ख्याल करेंगे, हम आपको आधा घंटे में ढूंढ के दे रहा है बिल्कुल आप। चलो ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ आपके डॉक्यूमेंट का। और हमारा भी वेट कर लो आप, हम भी आएंगे आपके पास। ठीक है सर, पहले तो मैं अपने आपके डॉक्यूमेंट का ही वेट कर रही हूँ। आप कब तक शेयर कर दोगे? बिल्कुल 11:36 हो गए, 12 बजे तक भेज दोगे? हम भेज देंगे 12 बजे तक। आपने इतनी बड़ी बात बोल दी कि आप डॉक्यूमेंट्स नहीं संभाल पा रहे, बीवी को कहाँ से संभालोगे, आप तो भेजने ही पड़ेंगे ना। तो ये बात सर मैंने कुछ गलत तो नहीं बोली, चीज का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। नहीं रखना पड़ता है, नहीं हम मानते हैं बिल्कुल हमारी ये गलती होगी, अब हम बिल्कुल ख्याल रखेंगे जी। अगर कुछ फ्यूचर बनाना हो तो देखो शादी तो होगी होगी, पहले फ्यूचर बनाना जरूरी है, आप अपना फ्यूचर बनाओ। और वो आजकल सब कुछ पढ़ाई नहीं है सर। अच्छा फ्यूचर तो ठीक है, अब हम तो पैसे भी किसान थे पहले से, तो अब आपने कॉल किया तो हम सोच रहे लगे कि बन थोड़ा सा घर में वो मिल जाएगी राहत कि हम घर में ही दवाई कर लेंगे जानवरों का जी। अपन तो वैसे ही संपन्न है, अपन किसी के नौकर बन के थोड़ी ना रहेंगे। वो तो सर अपनी अपनी इच्छा, नौकर वाली बात नहीं है इसमें। ऐसे हजारों बच्चे आते हैं हमारे पास, वो आके बैक कॉल करते हैं, बिजू यहाँ से कोर्स करके चले जाते हैं कि हम महीने के 50-60 हजार रुपए आराम से कमा लेते हैं। अरे मैडम अपन को 50-60 हजार की जरूरत नहीं है, अपनी प्रॉपर्टी कौन देखेगा अपन अगर नौकरी करने चले जाएंगे तो। ये तो मैं आपकी मान गई, आपके जमीन आती है, आपके घर में पशु, आप अपने पशुओं के लिए कर रहे हो। अपने पशुओं को कर रहे हैं, अपन भी 2-3 लोगों को लगा रखते हैं, अपन भी 25-30 हजार रुपए सैलरी महीने की बांटते ही हैं, लेते थोड़ी ना अपन, किसी को नौकर नहीं है तो तुम्हें थोड़ी तुम्हें नौकरी नहीं करना पड़ेगी, तुम सेठानी बन के रहोगी घर में हमारे साथ, सेठानी बन के रहोगी, ऑर्डर दोगी ये इधर ला इसको, आपको किसी को इतनी रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगी, आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, आप नौकरी वोकरी साथ छोड़ दोगी हमारे साथ आके रहोगी। वो तो फिर अच्छी बात है ना सर। नहीं आप लड़की के यही सपने होते हैं। नहीं सर सर बोलना छोड़ दो आप तो। अच्छा आपके जो सपने होंगे वो पूरे होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एक बार मिलके तो देखो। ठीक है तो सर आप आओगे तभी मिलूंगी ना मैं, आप विजिट करो आओ उस टाइम भी मिल पाएंगे। हम तो आएंगे ही, आप कुछ हो जाएगा हमें तो आना ही आना है आपसे मिलने। तो फिर आ जाना आप, मैं यहीं पे हूँ सर। मैं कब तक आओगे आप पहले डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, हम डॉक्यूमेंट्स भेज के हम वैसे ही डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, जैसे ही आप वहाँ से क्लियर कर देना हम तुरंत आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें आने में, और वहाँ से आपको लेके ही आएंगे साथ में। अच्छा और क्या अब तो हम भेजेंगे, आपने मुस्कुरा दी हंस दिया इतना, अब तो हम खुश हो गए बिल्कुल। अच्छा अब तो हम बहुत खुश हो गए। ठीक है सर। नहीं सर नहीं बोलो आप तो, ओके बोल दिया बस बहुत है। ओके जी ओके बस बस।